सो हेलो गाइस, मैं नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और यार आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, जो काफ़ी लोग होते हैं यार, काफ़ी लोग देखते हैं कि उन्हें फ्री होस्टिंग मिल रही है। काफ़ी साइट्स प्रोवाइड करती है, freezerohost.com या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कराती है कि यार आओ हमारी वेबसाइट में और यहाँ पर होस्टिंग लो फ्री में और उसे यूज़ करो। तो उसके नुकसान क्या क्या हैं और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ वो भी बात होगी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊँगा। अगर ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके कि जो होस्टिंग फ्री वाले होते हैं और उस पेड वाले होते हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है एग्जैक्टली, और आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी है। अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो बेनिफिशियल कौन सी है और किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जो स्टोरेज होती है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, जो आप फ्री वाली लेते हो उसमें आपको स्टोरेज बहुत कम मिलती है, 5 से 10 GB के इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसमें आप अपने फाइल्स हो गया या आप जो म्यूज़िक हो गया या इमेजेस हो गया, जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो, जिस भी चीज़ से आपकी वेबसाइट है वो चीज़ के लिए आपको बहुत लिमिटेड स्पेस मिलेगा, 5 से 10 GB के करीब करीब स्पेस मिलेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ बात करूँ तो वहाँ पर आपको बैंडविड्थ है वो बहुत लिमिटेड मिलती है, 5 से 10 GB की बैंडविड्थ ही मिलेगी पूरे महीने की, या फिर आपको मिलेगी पर डे की 5 से 10 GB। जबकि यार अगर आपकी वेबसाइट थोड़ा सा अच्छा चलने लग गई तो 5 से 10 GB मतलब ये समझ लो अगर कि पर डे के आपके अगर 500 लोग जाते भी आपकी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी बहुत ही इजीली। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ की बात करता हूँ, सीपीयू यूजेज आपको बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो वो फ्री होस्टिंग होती है ना वो सिर्फ आप ही आपके लिए नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो एक ही सर्वर से कनेक्ट करके बहुत सारे लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे यार कि आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा और आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी डाउन होने लग जाएगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ यार, अगर आप एक फ्री वेबसाइट पे जाते हो ना तो आपको बैकअप के लिए कुछ नहीं मिलता है, मतलब आप वहाँ बैकअप नहीं रख सकते। आप उनको जब आप उनको पेड नहीं करोगे ना तब तो आपका बैकअप नहीं रखेंगे। तो यार आपके लिए ये भी नुकसान वाली बात है कि अगर आपको बैकअप ही नहीं है तो फिर आपका डाटा किसी भी टाइम पर अगर क्रैश हो गया तो आप उस डाटा को दोबारा से कैसे लेके आओगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम के लिए जाते हो, वहाँ आपको वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस, वहाँ पे एक सिर्फ ऑप्शन होता है आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप डायरेक्टली बैकअप ले सकते हो अपने पूरे डाटा का एट अ टाइम पे, और आपका बैकअप ऑलरेडी उनके सर्वर में क्रिएट होता रहेगा, बनता रहेगा। तो आपके लिए वो सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ बैंडविड्थ और जो आपको स्पेस होता है और सीपीयू होता है, उसमें क्या होता है कि जो आप पेड में जाते हो उसमें आपको बैंडविड्थ मिनिमम जो मिलती है, पहले तो बोलते हैं अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता है, कहीं भी अगर आप चले जाओ बोलने की बात होती है अनलिमिटेड। अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है 10 से 12 हज़ार तक का ट्रैफिक, आराम से वो होस्टिंग ले लेती है अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो किसी प्लान के लिए। अगर मैं रिसेलर की बात करूँ, रिसेलर में 10 से 12 हज़ार तक का ट्रैफिक आपका पर डे का चले भी जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, गोडैडी है यार, गोडैडी में ट्रैफिक बहुत बेकार है, उनकी होस्टिंग बहुत बेकार है, तो वहाँ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को। अगर आपको बहुत फास्ट होस्टिंग चाहिए तो आप जा सकते हो A2 होस्टिंग के लिए, वहाँ बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग मिलती है, बहुत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट अच्छी होस्टिंग मिलती है, आपको बहुत फास्ट भी वहाँ देखने को मिल जाती है। अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ तो यार, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है फ्री प्लेटफॉर्म में तो किसी भी टाइम पे आपकी वेबसाइट को शट डाउन कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं, और आपको कोई भी रीज़न नहीं देंगे कि हमने बंद क्यों करी। तो यार ये चीज़ सबसे बेकार लगती है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ब्लॉगर भी यूज़ कर रहे हो ना, जैसे मैं ब्लॉगर यूज़ करता हूँ कभी कभी कुछ वेबसाइट्स के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपकी वेबसाइट में किसी ने कॉपीराइट क्लेम मार दिया या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में कॉपीराइट क्लेम मार दिया, तो वो आर्टिकल डायरेक्टली रिमूव हो जाता है और आपके ड्राफ्ट में आता है, मतलब यार कि आप उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में चल रहे हो तो आपके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि यार आपका जो कंटेंट है वो अगर किसी ने कॉपीराइट क्लेम मार दिया तो डायरेक्ट ड्राफ्ट में सेव नहीं होगा, जब तक आप ना चाहो तब तक आप उसे पब्लिश रख सकते हो, जब तक आप उसे डिलीट ना करो तब तक वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन यार अगर आप फ्री होस्टिंग करो तो जिस जो ओनर है होस्टिंग का कभी भी डिलीट कर सकता है। बात करते हैं फ्री वेबसाइट में एक चीज़ और भी, ये ड्रॉबैक होता है, ब्लॉगर में ये ड्रॉबैक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन और अगर आप जाओगे ना किसी भी जगह में, शायद आप विपली में जाओ या आप zoho.com में जाओ, तो वहाँ उनके खुद के एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसमें उनके खुद के एडवर्टीजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो आपकी वेबसाइट से रिलेट ही नहीं करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट सपोज़ मूवीज़ की है, वो एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी के हैं, कुछ और ये डिफरेंट ही कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट हैं जो आपके लिए यार कोई बेनिफिशियल ही नहीं है।
लेकिन अगर आप पेड़ के लिए जाते हो ना, तो सब कुछ आपका है, आप जिस हिसाब से ऐड लगाओगे वो आप दिखाओगे अपने ऑडियंस को, वही चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूँ फ्री होस्टिंग की, ये चीज़ ब्लॉगर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप और के लिए जाते हो ना किसी और चीज़ के, सपोज़ आपने एक वेबसाइट बनाई जहाँ आप जो लोग हैं उनकी डिटेल्स सेव कर रहे हो, सपोज़ आपको जो आपकी वेबसाइट में विजिटर आया उसके आप डिटेल वहाँ सेव कर रहे हो, तो आपको जो डाटा है वो चोरी हो सकता है, यानी कि वो ले सकते हैं, लीक कर सकते हैं, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक पेड होस्टिंग में जाते हो ना, तो जो कंपनी का सर्वर होता है वो पूरे ही पूरे आपकी गारंटी लेता है और पूरा का पूरा आपको सपोर्ट देता है कि आपका डाटा लीक ना हो। नेक्स्ट चीज़ की बात कर ले तो नेक्स्ट चीज़ आती है यार, जो आपकी वेबसाइट होती है, सपोज आप फ्री वेबसाइट यूज़ करो, कुछ क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आपको फ्री में टेक सपोर्ट नहीं मिलता है। ये सेम चीज़ ब्लॉगर के साथ है, सेम चीज़ हर एक वेबसाइट के साथ जो आपको फ्री प्रोवाइड कराती है। फ्री में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना कस्टमर केयर सपोर्ट मिलता है, ना ही आपको कोई भी तरीके का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। लेकिन अगर आप पेड कस्टमर हैं तो आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको सारे सपोर्ट्स मिलेंगे, आप चैट सपोर्ट मिल जाएगा, आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा और ईमेल सपोर्ट आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा पेड होस्टिंग में। तो अगर आप पेड होस्टिंग के लिए जाते हो ना, तो आपको जो ये चीज़ें बताई है मैंने, इन सब के अलावा सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब यार आपको जो होस्टिंग मिलेगी वो प्रीमियम होगी, तो उसमें आपको बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी, आपको डिस्क स्पेस अच्छी मिलेगी, आपकी जो सीपीयू यूज़ है वो अच्छा खासा मिलेगा, और अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छी खासी मिलेगी। तो सब चीज़ें आपको उसमें अच्छी खासी मिल जाएंगी। तो यही फ़र्क है एक पेड में और एक फ्री में। तो बस यार यही सब कुछ था, मुझे लगा जो आपके साथ करना चाहिए शेयर, मैंने कर दिया शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।